क्लास टेंथ प्रश्न दिया हुआ है माध्यक ज्ञात करो। क्या दिया हुआ है? माध्यक ज्ञात करो। माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक का शुरुआत अपन किया तब क्या किया था? संख्या दी हुई थी उसमें, के बाद उसमें क्या दी हुई थी? संख्या। संख्या दी हुई थी तो क्या किया अपन ने? संख्याओं को आरोही क्रम में किया। आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम छोटे से बड़े की ओर होता है। आरोही क्रम कर लिया। उसके बाद देखते थे अपन एन। एन सम संख्या है या विषम संख्या है? सम संख्या क्या होती है? जिस संख्या में दो का भाग पूरा पूरा जाता है वह सम संख्या कहलाती है। विषम क्या होती है? जिस संख्या में दो का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है वह विषम संख्या कहलाती है। अगर सम संख्या है तो क्या करेंगे? अगर सम संख्या है तो एन बटा दो वापद प्लस एन बटा दो प्लस एक वापद बटा दो। और विषम है, विषम है तो क्या करेंगे? विषम है तो एन प्लस एक बटा दो वापद। विषम संख्या में क्या करते हैं अपन? एन प्लस एक बटा दो वापद। ये अपन जब संख्या दी हुई हो तब करते हैं, केवल संख्या दी हुई हो। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है? प्राप्तांक दिए हुए हैं और विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है। प्राप्तांक दिए हुए हैं और विद्यार्थियों की संख्या दी है। तो प्राप्तांक जो दिया हुआ है, प्राप्तांक एक्स है हमारा। प्राप्तांक जो दिया हुआ है वह क्या है? एक्स। और विद्यार्थियों की संख्या है वो होती है बारंबारता एफ। प्राप्तांक जो दिया हुआ है वो एक्स है और विद्यार्थियों की संख्या है वो क्या है? वो बारंबारता एफ है। प्राप्तांक जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। विद्यार्थियों की संख्या बारंबारता है कितनी है? दस, पैंतीस, सत्ताईस, सत्रह, छः, तीन, दो। ठीक है, तो जब माध्यक ज्ञात करना हो और हमारे पास बारंबारता हो, माध्यक ज्ञात करना है और हमारे पास बारंबारता है, अगर हमारे पास बारंबारता है तो हमें संचयी बारंबारता ज्ञात करनी पड़ेगी। संचयी बारंबारता ज्ञात करनी पड़ेगी। संचयी बारंबारता क्या होती है? संचयी बारंबारता CF होती है। अगर हमारे पास बारंबारता है, हमारे पास क्या है? बारंबारता। अगर बारंबारता है तो क्या ज्ञात करना पड़ेगा? संचयी बारंबारता CF ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा? CF, संचयी बारंबारता। अगर हमारे पास बारंबारता है तो हमें क्या करनी है? संचयी बारंबारता। माध्यक क्या? माध्यक का नाम दोनों एक ही है। माध्यक कहो चाहे माध्यक कहो, नाम एक ही है दोनों का। अगर वो हमारे पास है, माध्यक कहो चाहे माध्यक कहो, उसमें ज्ञात करना है। और हमारे पास अगर एफ बारंबारता दी हुई, एक्स एफ दिया हुआ है, एफ बारंबारता दी हुई, समांतर माध्य होता तो क्या करते हैं अपन? एक्स को एफ से गुणा कर लेते हैं। लेकिन समांतर माध्य नहीं है, अपन क्या है? माध्यक है। माध्यक कहो चाहे माध्यक की बात, जब एफ दिया हुआ हो तो संचयी बारंबारता CF ज्ञात करनी पड़ेगी। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। CF क्या होती है? कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बारंबारता। सबसे पहले 10 का 10, 10 जोड़ेंगे 35 में, 10 का 10 आ गया, 10 जोड़ा 35 में कितना हो गया? 45। अगली बात समझ में। अब 45 किसमें जोड़ेंगे? 45 किसमें जोड़ना है? 45 को 27 में जोड़ना है। आगे बात समझ में। तो कितना आएगा? 72 आ जाएगा। कितना आएगा? 72। अब 72 किसमें जोड़ना है? 72 को 17 में जोड़ना है। क्या करना है? 72 को 17 में जोड़ना है। 72 जोड़ो, कितना आ गया? 89 आ गया। कितना आ गया? 89। 72 में 17 जोड़ो, कितना आ गया? 89। अब 89 कहाँ जोड़ना है? 89 को 6 में जोड़ना है।
कितना आ गया पिचान में आ गया, कितना आ गया पिचान में आ गया। पिचान में किसको जोड़ना है, पिचान में तीन जोड़ना है, कितना आ गया पिचान में, कितना आ गया पिचान में, पिचान में क्या जोड़ना है, पिचान में दो जोड़ना है, कितना आ गया सौ, कितना आ गया सौ। आगे बात समझ में, तो अब एफ सी एफ होने वाली दस का दस लिख दिया, पहले दस का दस लिख दिया, लिख दिया दस जोड़ा पैंतीस में कितना हो गया पैंतालीस, पैंतालीस में जोड़ा सत्ताईस कितना आ गया बहत्तर, बहत्तर जोड़ा सत्रह में कितना आ गया नयासी, नयासी में जोड़ा छः कितना आ गया पचानवे, पचानवे में जोड़ा तीन कितना आ गया अठानवे, अठानवे प्लस दो कितना आ गया सौ आ गया। अब एफ को जोड़ो तो योग आएगा वो बड़ा एन आएगा, एफ का योग आएगा बड़ा एन आएगा, छोटा एन गिनती में आता है, बड़ा एन योग में आता है, जोड़ लो कितना आया सौ आ गया सौ। तो एक चीज ध्यान रखना, जो एन का योग आएगा जो एफ का योग आएगा वो सी एफ की अंतिम संख्या के बराबर होगा, ये दोनों बराबर आएंगे, अगर ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब कहीं सवाल में आपने गलती की है, ये दोनों बराबर आएंगे, ठीक है आ गया। अब करते हैं एन बटा दो, बड़ा एन लिखना है, एन बटा दो सौ बटा दो कितना आया, एन बटा दो कितना आ गया, एन बटा दो पचास आ गया, कितना एन बटा दो आया, एन बटा दो पचास है। तो अब देखना है आपको पचास से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता पचास से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, बड़ी नहीं ठीक बड़ी, दस छोटा है पैंतालीस छोटा है बहत्तर आ गया, ये क्या हो गया ठीक बड़ा हो गया, बड़ा तो सौ बड़ा ही है, अठानवे बड़ा है, पचानवे बड़ा है, नयासी बड़ा है, बहत्तर बड़ा है, लेकिन क्या लेना है ठीक बड़ी, छोटी क्या है पचास से पैंतालीस, ठीक बड़ी क्या होगी बहत्तर, तो पचास से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता बहत्तर है। अब इसमें बॉक्स लगा देते हैं, तो पचास से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता बहत्तर है जिसके संगत पद का मान, जिसके संगत पद का मान, संगत पद का मान क्या है दो है, एक्स में देखना है मान, एक्स में देखना, एक्स में देखना है, तो पचास से ठीक बड़ी संचय बारंबारता बहत्तर है जिसके संगत पद का मान दो है, अतः माध्यक एम बराबर दो, क्या माध्यक आ गया इसका दो। अगली बात समझ में, जो भी एन बटा दो करोगे उससे ठीक बड़ी संचय बारंबारता सी एफ लेनी है, उसका संगत पद एक्स में देखना ना कि एफ में, संगत पद एक्स में देख लिया कितना है दो, तो माध्य क्या हो गया इसका दो। आज के लिए इतना ही, इसके एक और सवाल कल करेंगे, धन्यवाद। जा रहे वहां।